Thanks, Ken. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सदाकत अली। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं सहारनपुर के एक ऐसे बंगले पर जहां पर कहा जाता है कि ये भूतिया बंगला है, यानी हॉन्टेड हाउस। तो क्या है सच्चाई, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं और आज आपको सहारनपुर का वो भूतिया बंगला यानी हॉन्टेड हाउस दिखाते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उस बंगले पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बंगला, जो डाक बंगला यानी भूतों का घर कहा जाता है। यहां पर कोई आता नहीं, यहां पर भूत रहते हैं। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर भूत है या नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त बंगले के अंदर और आप देख सकते हो, मुझको नहीं लगता यहां पर कोई भूत वगैरह रहते होंगे, क्योंकि यहां पर बिल्कुल शांति है। वैसे देखने में तो बहुत ही डरावना है और थोड़ा एहसास भी हो रहा है यहां पर डरावने का। वैसे मैं अकेला हूं खुद, इस वजह से भी मुझे थोड़ी दहशत सी लग रही है। ये देखिए इसकी छत देखिए। वैसे बंगला काफ़ी पुराना है, मुझे ऐसा लगता है 100 साल से पुराना बंगला है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही जर्जर है। और ये देखने में तो वैसे बहुत डरावना बंगला है, आप देख सकते हो। लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया बंगला है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर भूत रहते होंगे, क्योंकि ये एक पुरानी हवेली है, या ये कहिए पुराना बंगला है जो खंडर हो चुका है। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ सटेरिए और दारूबाज आकर दारू पीते होंगे और नशेड़िए यहाँ पर मज़े करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये खंडर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों, दूर दूर तक यहाँ पर कोई इंसान नहीं नज़र आता, इसीलिए शायद लोग यहाँ आने से डरते हैं। ये देख सकते हो आप, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये एक पुरानी हवेली है और हो सकता है यहाँ पर रात के टाइम थोड़ी कोई भूत वगैरह या कुछ ऐसी हलचल रहती होगी, जिससे लोग यहाँ आने से डरते हैं। लेकिन मुझको नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे देखकर डर लगे। ये इंसान का एक बहम हो सकता है। दोस्तों,
दोस्तों, ये एक पुरानी हवेली है जो अब खंडर हो चुकी है और इसमें अब कोई आता जाता नहीं है, ना ही इसमें कोई अब रहता है। इसलिए इसको लोग भूतिया बंगला या हॉन्टेड हाउस कहते हैं और ये बिल्कुल खंडर हो चुकी है। इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर आते जाते डरते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नशेड़ियों और जुआरियों के लिए और नशेड़ियों के लिए एक अड्डा बन चुका है, जो यहाँ पर आकर मौज मस्ती करते हैं और आम जनता को डराते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कुछ नहीं है। यदि यहाँ पर भूत वगैरह होते तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आकर वीडियो नहीं बना पाता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराया जाता है और कुछ नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे इलाके में सिर्फ ये एक हवेली थी जो अब खंडर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते रहेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।